थाना जमुनापार इलाके के वृंदावन पानी गांव मार्ग पर बीती रात को रास्ते में खड़े खराब ट्रैक्टर से टकराकर कई वाहन दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, वहीं दो को मथुरा के लिए रेफर किया गया है। बता दें कि बीती रात को पानी गांव में एक ट्रैक्टर खराब हो गया जो कि रास्ते में खड़ा था। रास्ते में मौजूद अंधेरे के कारण उसी ट्रैक्टर से टकराकर पहले बाइक सवार दो लोग घायल हुए, जिसके बाद वृंदावन से सुरीर जा रहे ग्रामीणों की बुलेरो कार ट्रैक्टर से टकराकर खाई में जा गिरी। इतना ही नहीं, इसके बाद हाथरस जंक्शन निवासी करीब 8 लोगों का परिवार प्रेम मंदिर दर्शन करके हाथरस लौट रहा था, उनकी कार भी ट्रैक्टर से टकराकर दुर्घटना का शिकार हुई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। घायलों को वृंदावन के जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना में हाथरस निवासी 12 वर्षीय नेहा, 50 वर्षीय देवेंद्र, 40 वर्षीय अरुण, अनीता, पावनी और दो अन्य लोग घायल हो गए। इसके अलावा थाना सुरीर के गाँव सिहावन निवासी धर्मपाल, सुखपाल, कैलाश, राजेंद्र और भोजराज घायल हो गए। घायलों में 50 वर्षीय देवेंद्र और एक अन्य को गंभीर हालत में मथुरा के लिए रेफर किया गया। अगर बात की जाए इस हादसे के सबसे बड़े कारण की, तो खराब ट्रैक्टर के साथ ही मार्ग पर पसरा अंधेरा बताया गया है, जिसके चलते एक के बाद एक कई वाहन दुर्घटना का शिकार हो गए। इस संबंध में सुरीर के सिहावन निवासी घायल धर्मपाल ने जानकारी दी। हम लोग मथुरा से आ रहे हैं, अपने गांव सुरीर सिहावन की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में एक ट्रैक्टर खड़ा और उसकी साइड में उन्होंने ट्रैक्टर वालों ने टायर पटक दिया ट्रैक्टर में से खोल के। ट्रैक्टर अंधेरा हो रहा, वहाँ दिखा नहीं, ट्रैक्टर पर हमारी गाड़ी चढ़ गई और पलट उठती गई, हमारी खाई में जाएगी। कौन सी गाड़ी थी? बोलेरो। कितने लोग थे आप उसमें? 5। और कितने लोगों की चोट है? 5ों के चोट है, लेकिन 4 ज्यादा घायल है। 4 ज्यादा हैं। तो क्या मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है या क्या व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए? ना, प्रशासन की तो बात ये है कि प्रशासन कहाँ कर दो, वो तो ट्रैक्टर वाले की गलती है, उसे टायर नहीं, जैसे बता रहे हैं आप अंधेरा था वहाँ पर, तो अंधेरा दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की कमी है। यदि रोड पर ट्रैक्टर खराब हो, टायर पटक रखे हो, तो भाई जगह उजी तो रखते तो ये हादसा न होता। नहीं होता।